नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। जिला मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक पर उदय प्रीमियम हॉल में युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी सदस्य का बैठक हुआ, जहां शपथ ली कि पूरे मुजफ्फरपुर जिले में 10 लाख लोगों को सदस्यता दिलानी है। मौके पर उपस्थित MLC प्रत्याशी शंभु सिंह, मोहम्मद कारी सोहेब, मनोज यादव प्रदेश सचिव आदि अन्य लोग उपस्थित थे। तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क मुजफ्फरपुर जिला संवाददाता सोनू पाठक की ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क जिला संवाददाता सोनू पाठक के साथ। आज जिला मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक पे युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी सदस्य का बैठक हुआ है, जहां पे MLC प्रत्याशी शंभु सिंह का यहां पर उपस्थिति था। और एक तरफ चुनाव देख रहे हैं कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, एक तरफ दिनेश प्रसाद सिंह, दूसरे तरफ शंभु मंटू गैंग से जाने वाले शंभु सिंह की लड़ाई जबरदस्त हो चुकी है। और मैं आज इसी गोबरसही चौक से आपको सीधा तस्वीर दिखाऊंगा। इस मुजफ्फरपुर जिले में MLC क्षेत्र में आने वाले जो वार्ड सदस्य की संख्या है 5327 है, समिति की संख्या 535 है, मुखिया की संख्या 385 है और जिला परिषद की संख्या 54 है, सांसद की संख्या 2 है और विधायक की संख्या 11 और MLC की संख्या 2 और नगर निगम क्षेत्र से आने वाले 49 है, जिनमें से एक का मृत्यु हो चुका है। मैं बता दूं कि कुल मिलाकर 6364 प्रतिनिधियां हैं। अब देखना है कि 6364 प्रतिनिधियों में से सबसे ज़्यादा किसको वोट आता है और इसी की लगातार बहस चल रही है, जहां आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कारी सुहैब जी भी उपलब्ध हैं और अजीत यादव युवा प्रदेश सचिव भी उपलब्ध हैं, नितेश यादव युवा जिला अध्यक्ष भी उपलब्ध हैं, रतन चौधरी युवा प्रदेश सचिव भी उपलब्ध हैं, मनोज यादव महासचिव भी उपलब्ध हैं, अरुण यादव युवा प्रदेश प्रवक्ता भी उपलब्ध है, जहां मैं सीधा तस्वीर आपको लेकर चलता हूँ। कितना आत्मविश्वास बढ़ा, कितनी उम्मीद बढ़ी? आप लोग सलाम से दिखाई पा रहा है कि कितना आत्मविश्वास बढ़ गया हमारा, उम्मीद है पूरा। जो विरोधी घर में बैठ के लड़ा करते थे, आप गली गली फिर रहे हैं और माहौल कैसा है तो कहने की बात आप सामने देख रहे हैं, फिर हम क्या बोले। 18 साल का किला कैसे ढहेगा? किला तो दसनाबूद हो चुका है, जड़ से खत्म हो चुका है। अभी इस बार आप मैदान में आए हैं, 18 साल में कोई नहीं आया, इतनी मजबूती से नहीं डटा रहा, कुछ मुश्किल हुई? जब जनमल सामने होता है तो कोई मुश्किल सामने नहीं होता, जनमल के साथ में आता है उससे बड़ी ताकत कोई भी ताकत नहीं। बिहार के मोहम्मद पर निकला हुआ उनका मुख्यमंत्री इस्लाम के निर्देश पर उसी क्रम में लोगों को बुलाए हैं। एक सदस्यता अभियान हमारे नेता अनंत प्रसाद ने भारत ऑनलाइन शुभारंभ किया था, उसको धार देने के लिए और दूसरा हमारे स्थानीय पदाधिकार के जो पार्टी के उम्मीदवार है शंभू सिंह जी की जीत सुनिश्चित करने के लिए युवा जिला इकाई महत्वपूर्ण बैठक हुई। मेरा नहीं है राजद से बड़ी तादाद में जिला परिषद आए हैं, तमाम लोगों ने संकल्प लिया है कि शंभु सिंह के चेहरे में हम लोग तेजस्वी यादव जी के चेहरे को देखते हैं और इसलिए इनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरे तन मन धन से हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे और इनको जीता करके भेजेंगे और जो बंधक बना हुआ है मुजफ्फरपुर 18 साल से उस बंधक से आज़ाद कराना है और मुजफ्फरपुर के विकास को पिछले 18 साल में जन प्रतिनिधियों का इतना बुरा हाल हुआ है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता, ये मुजफ्फरपुर के जनप्रतिनिधि से वो मिलके तक नहीं है और सबको बेइज्जत करने का काम करते हैं। शंभु सिंह जी जीतेंगे तो स्थानीय जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के लोग जीते हुए हैं उनको सम्मान भी मिलेगा, उनकी आवाज़ भी असेंबली में उठेगी और हमारा सदस्य अभियान को मेरे युवा साथियों, यह जो चुनाव का समय आ गया है, इसमें से कितने युवा साथियों से मैं मिल चुका हूं जो हर जगह काम कर रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, घूम घूम कर वोट लेने का काम कर रहे हैं।
मेरे साथियों, ये जो वक्त है यह मुजफ्फरपुर का एमएलसी का चुनाव का पद का वक्त नहीं। बिहार में एक सीट को कलंक से मिटाने का जगह का नाम है जिसका नाम मुजफ्फरपुर है। इस जगह पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी में अंत कर चुका है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संकल्प लिया कि जहां से उनकी शुरुआत की उसी पार्टी के द्वारा उनका अंत भी किया जाएगा। लड़ने वाला नहीं है, उनको पता नहीं था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पलक झपकते हैं हमारे जैसे हजारों जवान पैदा हो जाते हैं खड़ा होते। और आज हमने पहला दिन कहा था कि धन बल को जल से खत्म कर देंगे और जन बल को आगे लेके आएंगे। आज दिखाई देता है कि सड़क पर कैसे पूरे परिवार भटक रहे हैं, गांव गांव भटक रहे हैं। और वार्ड मेंबर उन्होंने वार्ड मेंबर साहब कहना शुरू कर दिया, यह देन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का देन है, हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है कि आज सम्मान मिलना शुरू हो गया है। और सम्मान यहाँ नहीं खत्म होगा, उनको जब से उठा के जब तक हम लोग नहीं फेंक देंगे, जब से नहीं खाएगा फेंक देंगे, जब तक हम लोग सांस नहीं लेंगे। और मैं इतना क्या कहूँ, जो 19 साल उन्होंने करतूत किया है उसका भी हिसाब उनसे एक एक करके लिया जाएगा। और आगे नया तरीके से हम लोग विकास का काम करेंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जो 19 साल में मुजफ्फरपुर के लोगों के साथ किए हैं उसका एक एक चीज का हिसाब से मुजफ्फरपुर का सरकार पूछेगा। और पूछेगा धन लेके अपने खाते में जमा कर रहे थे, जनता को क्यों नहीं पूछ रहे थे, प्रतिनिधियों क्यों नहीं पूछ रहे थे। जनता हिसाब देना शुरू कर दिया है, तभी तब गली दर गली भटक रहे हैं। लोग कहते थे कि उम्मीदवार नहीं मिलेगा, उम्मीदवार ऐसा मिला कि वो अगर 15 है तो हम 20 हैं। और कहते आसानी से दिखाएंगे तकलीफ उनको होने वाला है, तकलीफ हम लोगों को नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं और चंद्र क्या संकल्प ले लिए हैं। इसी शब्दों के साथ मैं विशेष क्या कहूँ, अभी चुनाव का समय आ गया है, बाकी समय का अभाव है। आगे मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। दिशा और दिशा तय करती है, इसलिए युवाओं से अनुरोध है कि इस चुनाव एमएलसी चुनाव में हमारे जो अधिकारी पदाधिकारी जो आए हुए हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारे चुनाव को जिताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ऊर्जावान प्रदेश के प्रवक्ता भाई दीपक गुप्ता ग्रामीण तरफ की जगह खाली वहां बैठ जाए, जो भी वहां पर जो गेट के पास में रहे ठीक है, कुर्सी वहां पर है, सब लोग बैठ जाइए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा राजद के जिला अध्यक्ष नितेश यादव जी और इस मंच पर उपस्थित युवा के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोएब जी और जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी और महानगर अध्यक्ष राय साई निकवार मोना जी और एमएलसी उम्मीदवार शंभू सिंह और इस मंच पर उपस्थित सभी युवा के पदाधिकारीगण को मैं अपनी ओर से नमस्कार और आभार करती हूँ। और आज कार्यकारिणी के बैठक में जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक आए हुए सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। युवा जिस कार्यक्रम में शामिल होते हैं वो कार्यक्रम सफल हो जाता है। मैं चाहती हूँ और प्रदेश अध्यक्ष कारी सोए जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और जिला के नीतीश यादव जी को मैं बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देती हूँ कि बिहार समेत मुजफ्फरपुर जिला में भी संगठन को मजबूत करने का काम किए हैं। और मैं आप सबों से ये कहना चाहती हूँ कि आप एमएलसी उम्मीदवार शंभू सिंह जी को अपना भारी मदद से देकर उनको जिताने का काम करें। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय